नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौर। खिलाफ फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बुधवार को बैठक हुई दिल्ली है बीजेपी हेडक्वार्टर पर और यहाँ पर एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 7 जून को एक बार फिर से बैठक होगी और 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। एक घंटे चली बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सहित 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 8 जून को मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं बता दें कि टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार जो है वो मांगा है। मांझी ने 1, शिंदे ने 2, एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार की मांग की है, मंत्रालय की डिमांड रखी है। वहीं जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल भी एक एक मंत्री पद चाहते हैं। 2024 लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो काफ़ी ऐतिहासिक था। इसमें जो नतीजे आए वो भी काफ़ी दिलचस्प थे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी कि देश में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि मोदी की जो कैबिनेट है उसमें कौन कौन मंत्री शामिल होंगे, किसका नाम होगा और किस किस को मंत्री पद दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन कौन इस पर शामिल है। 8 जून की तारीख आज़ाद भारत के इतिहास में बहुत खास होने वाली है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव में जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस चुनाव में अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात, राजनाथ सिंह ने लखनऊ, नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र, पीयूष गोयल ने मुंबई नॉर्थ, गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, भूपेंद्र यादव ने अलवर से जीत दर्ज की है। ऐसे में इन्हें फिर से नरेंद्र मोदी की टीम में देखा जा सकता है। हालांकि एनडीए में पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक सरकार के मंत्रिपरिषद में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक मंत्री हो सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री के अलावा उनकी टीम में 78 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आप बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में हैं और उनकी जो याचिका थी बेल के लिए वो खारिज कर दी गई है। 19 जून तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई की तरफ से एक आदेश आया है। आदेश ये कि आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को पार्टी मुख्यालय के लिए राजधानी नई दिल्ली में जमीन आवंटन के मामले पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आपको 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते के भीतर आपकी मांग पर विचार करने का आदेश देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक सामान्य रूप मूल से आवास इकाई का उपयोग करने की हकदार है। याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। दरअसल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने के मद्देनज़र पार्टी कार्यालयों के लिए स्थान आवंटित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बढ़ते आगे, बुधवार को जहां एनडीए ने मीटिंग की इसके ठीक 2 घंटे बाद इंडिया अलायंस की भी मीटिंग हुई। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में ये मीटिंग रखी गई और यहां पर अलायंस के तमाम जो नेता थे वो मौजूद रहे। राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी, अखिलेश यादव तमाम जो नेता रहे वो मौजूद रहे और इसमें आगे की क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा की गई। इंडिया अलायंस की मीटिंग में 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करेगा जो भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखते हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया को 233 सीटें मिली हैं, हालांकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। मीटिंग के बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीटिंग में पास हुआ एक प्रस्ताव पढ़ा। खड़गे ने कहा कि लोगों ने बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है। इंडिया फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। हम उस वक्त सही समय पर सही कदम उठाएंगे जब लगेगा कि बीजेपी सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही है।
बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग जगहों से आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गाजियाबाद में गुरुवार की सुबह एक दो मंजिला इमारत में आग लग गई और दमकल की गाड़ियों को यहां पर आग को बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग लगने की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गाजियाबाद की वसुंधरा में गुरुवार सुबह दो मंजिला इमारत में आग लग गई। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग किस वजह से लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि गनीमत रही कि आग से अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस पूरे घटना से इलाके में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।